हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो माय नेम इज आशीष। जैसे तुम लोग तो इतना पता चल गया रहेगा, मेरा नाम आशीष है, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 चालू हो गए। नाउ यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, ये एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में। देखते देखते हम लोग लास्ट एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट तक आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। ये सब तुम लोग को आता है, अगर मैं दिल से बोलूँ तो ये आगे के जितने भी क्वेश्चन है सब तुम लोग को आता है। जैसे कि देख लेना, यहाँ पर ए प्लस आई बी, हियर क्या दिया, यहाँ पर उसने ये दिया है ए प्लस आई बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या दिया है, 1 प्लस आई अपॉन व्हाट, 1 माइनस आई। ये देख के मुझे रैशनलाइज वाले फील आ रहा है। रैशनलाइज मतलब क्या होता है, याद करो, यहाँ पर नीचे वाले को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है, और जब जब रैशनलाइज हुआ है तब तक डिनोमिनेटर में क्या हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ऊपर वाला तुम लोग ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये डब्बा और ये डब्बा सेम ही है। एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तुम लोग ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब सर ये देखो लिख रहा हूँ, वापस लिख रहा हूँ, उसके लिए माफ कर देना। लेकिन यहाँ पर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये क्लियर रखना है तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर होना चाहिए। अब जो मैं बात करने वाला, ध्यान से समझना गाइस, यहाँ पर इसको ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये ए डब्बा और ये डब्बा सेम ही है। इधर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन चलो पैटर्न बिठा दिया, हाथ बिठा दिया, तो यही करते हैं। 1 into 1 1 प्लस 1 into i i, आगे बोलो i into 1 i और i into i i स्क्वायर, ये क्लियर रखना है, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, यहाँ पर i स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू अपने को मालूम है माइनस 1। इतना पूरा एक्सरसाइज हो गया अभी, नहीं हाँ, इतना पूरा ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 आई प्लस आई क्या हो गया, 2i, और ये क्या हो गया, माइनस 1, ये दिखता है। यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये और ये कैंसिल, क्या बचा, 2i अपॉन में व्हाट, 2 2 2 गेट कैंसिल, क्या बचा आई, ये क्या था, ए प्लस आई बी। ये समझ रहे, स्पीड में कहता हूँ वीडियो पॉज करो। अरे हो चुका है, एंड पार्ट पे आ गया, अगर तुम लोग को अभी भी नहीं समझा तो फिर क्या मतलब रहेगा बच्चा। ए प्लस आई बी दिख रहा है, और यहाँ पर ये आई दिख रहा है, तो कैन वी राइट इसको 0 प्लस आई, यस और नो, क्या लिखते हैं हम लोग, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ए के जगह पे क्या दिख रहा है, ए इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, और बी मतलब यहाँ पर आई के साथ कौन चिपका हुआ, बी, यहाँ पर आई के साथ कुछ नहीं, मतलब 1, बी इज इक्वल टू 1, ये देखो ये मिल गया। नाउ क्या फाइंड आउट कर रहा है, प्रूफ डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेक LHS क्या है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू, ए मतलब 0 का स्क्वायर प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, ये दिख रहा है तुम लोगों को, हैंस प्रूफ। ये देखो कितना ईजी था, ये समझ रहा है, 21 हो गया गाइस, ये चीज समझना चाहिए, ये हो चुका अपना, सब हो चुका है। देखो आगे का मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, 23 हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर चुका है, कहाँ पर, जब मैं क्वेश्चन नंबर क्या सिखा रहा था, 18 सिखा रहा था, तभी 23 हो गया था, उसमें मैंने ड्राइव का लिंक प्रोवाइड किया, याद आ रहा है, पूरा सोल्यूशन के साथ। नाउ ये लिख लो प्लीज, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग 22, पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, तो फिर मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, शो डैट ये जो भी इतना बड़ा गंदा सम दिख रहा है इज अ रियल। रियल मतलब क्या होता है, जहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0, मतलब आई के साथ कोई चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन को मैंने इधर उतारा है। अब यहाँ पर रैशनलाइज वाला छोड़ो, पहले तो हम लोग के पास इतना सारा एक्सपीरियंस है कि पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते, जो भी आंसर आता है उसके बाद रैशनलाइज करते हैं, ठीक है, यही रहता ना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आता है उसको रैशनलाइज करते हैं। चलो यहाँ पर पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को और ये दोनों को, समझा, पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला ये दोनों को, और ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के टाइम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, √7 दोनों को मल्टी, अरे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता ना, तो आई √3 द होल स्क्वायर, समझ रहा है ये चीज, अगर जिसको नहीं समझता वो लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्लस आई √3, फिर यहाँ पर √7 प्लस आई √3, फिर इसको जैसा बचपन में मल्टीप्लाई किया इसके पहले वाले सम में, ऐसा 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 कर सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर वाला थोड़ा ईजी होता, मतलब इसके पहले वाले सम में भी मैंने जैसा बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये बीच वाला प्लस, देखो ये वाला दिखता है और ये वाला सेम ही है, जब इसका मल्टीप्लाई करेगा तो √7 माइनस आई √3 द होल स्क्वायर, ये क्लियर रखना है तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर अपॉन में देखो ध्यान से, जब और ध्यान से देखो, ये देखो सेम रैशनलाइज वाला दिख रहा है, ये सेम नहीं है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो रैशनलाइज वाला दिख रहा है, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्लियर है तुम लोगों को। अरे हाँ, या ना देखो कितना ईजी दिख रहा है,
मतलब समझ रहा है, ये डब्बा इसके डब्बे से मल्टीप्लाई करेगा, ये डब्बा इसके डब्बे से मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लोग क्यों ना एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाला जैसा करते हैं वही कर दो। और नीचे मतलब सर आपने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद रैशनलाइज, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही रैशनलाइज हो गया है। देखो ना बनाने वाले ने क्या मस्त सम बनाया यार। चलो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है सबको, बोलो ए का वैल्यू ये होता है, बी का वैल्यू ये होता है, यहाँ पर ए का वैल्यू ये होता है, बी का वैल्यू सिर्फ ये होता है। प्लीज डोंट से माइनस होना, माइनस होना नहीं बोलने का, ठीक है। चलो ए का स्क्वायर मतलब सर यहाँ पर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी मतलब यहाँ पर आई रूट थ्री, ये क्लियर हो गया। आगे बोलो प्लस बी का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब आई रूट थ्री का स्क्वायर, ये क्लियर है। यहाँ पर प्लस वापस प्लस ए ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये क्लियर होता है। ओके प्लस बी का स्क्वायर, ये क्लियर रखना है, बी का स्क्वायर अपॉन में अपॉन में अपॉन में अपॉन में, यहाँ पर रूट सेवन का स्क्वायर, देखो ये और ये खत्म हो गया, सेवन बचा माइनस इसके अंदर दो जन स्क्वायर मतलब दो जन, एक बार आई का स्क्वायर करो और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चलो देखते हैं अभी क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट सेवन का स्क्वायर क्या होगा, सेवन हो गया। अच्छा यहाँ पर लिखता हूँ ताकि बड़ा दिखे, इज इक्वल टू रूट सेवन। आगे यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, प्लस 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 आई को दूर रखो, टू रूट सेवन थ्री आई, ये देखो रूट वाला मल्टीप्लाई होता है, सेवन थ्री जर 21 लिख सकते हैं हम लोग, हाँ क्या मतलब रूट में 21। यहाँ पर दो जने, एक आई स्क्वायर हो गया, ओके सर एक आई स्क्वायर हो गया और एक रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। आगे बोलो प्लस इसका क्या आएगा, सेवन हो गया और इसका सेम माइनस टू रूट सेवन रूट थ्री आई। आगे ये इसका क्या आएगा, आई स्क्वायर हो गया और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया। चलो अपॉन में क्या दिखता है, अपॉन में यहाँ पर सेवन आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन मतलब प्लस लिख देता हूँ, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन प्लस हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो ये और ये कैंसिल हो गया, देखो ध्यान से यहाँ पर ये सेवन बचा ये कट हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है तो माइनस थ्री, आगे प्लस सेवन, आगे ये कट गया, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन मतलब माइनस थ्री। वीडियो रुका रुका के प्यार से देखो, सेवन प्लस थ्री टेन होता है, ये क्लियर है सबको, यस और नो बोलने का। देखो अभी क्या आएगा, सेवन प्लस सेवन फोर्टीन और माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स अपॉन में टेन, तो ये कितना हो गया, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बाय 10 दोनों किससे कट करेंगे, 4 से, यहाँ पर 2 से कट होएगा, 4 अपॉन 5, ये मेरा आंसर आया। देखो इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आया वो क्या है, 4 बाय 5, मतलब देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये पूरे को लिखने के बाद आंसर क्या है, 4 प्लस 5 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0 आई। ये हम लोग ने लेक्चर नंबर, देखो लेक्चर नंबर याद होगा 7 में मैंने इससे बेहतर बेहतर सम कराया, याद होगा। तो यहाँ पर सिंस क्या लिखोगे, सिंस इमेजिनरी पार्ट क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, 0, देखो ना आई है नहीं, देयर वोर द गिवन गिवन नंबर मतलब ये इज, देयर वोर द गिवन नंबर, गिवन नंबर इज रियल, ये समझा रियल नंबर, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा तुम लोगों को एक मैं बात बताता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो फिर मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ इसी में, ओके मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट बताया है, बताने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर समझ गया तो अच्छी बात है, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते। ये रेलवे वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम देते हो वहाँ पर अलजेब्रा करके अलग से एक सब्जेक्ट रहता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम लोग का पार्ट वन पार्ट टू होता है, लेकिन जब मतलब हाई लेवल पे जाओगे कोई कंपनी में जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहाँ पर अलजेब्रा करके टॉपिक होता है ना, अलजेब्रा में ये टाइप के सम्स कवर करते हैं। अगर उन लोग बोलते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट रहेगा ना, तो क्या करने वाले हैं, टू लिखने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखने का अपन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर देखो, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू क्या ये है और बी का वैल्यू क्या ये है। चलो इसके अंदर पुटअप करते हैं, क्या आएगा, टू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइंड में करोगे तो अच्छा रहेगा, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन होता है, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर और ये क्या होता है, थ्री, ये क्लियर है तुम लोग को, हाँ या ना। अपॉन में क्या आएगा बोलो, टू लिखा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब फिर से सेवन आया, यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब वापस आई स्क्वायर थ्री आया, ये क्लियर होना चाहिए तुम लोग को। यहाँ पर देखो टू टू लिखा, ये आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन मतलब सेवन माइनस थ्री इज वॉट, फोर हो गया, बराबर है। यहाँ पर सेवन लिखा, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री, ये समझना चाहिए, ये टू फोर एट बाय टेन मतलब क्या आएगा, फोर बाय फाइव, देखो डायरेक्टली आता है, ये चीज लिख लो, अरे कहीं ना कहीं रखो होशियारी गिरी दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं मैडम को बोलेंगे मैडम इसका मेरे पास ट्रिक्स है, मतलब इधर कुछ भी गंदा सा आ जाएगा ना तो तुम लोग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो गाइस, ये तुम्हारे शॉर्टकट में ट्राई करना, मैंने बोला शॉर्टकट में ट्राई करना, इसको रफ करो ये लॉन्ग कट हो जाएगा। एक मैं तुम लोग के लिए एज अ होमवर्क देता हूँ, जैसे तुम लोग को कॉपी करने का टाइम दिया था, समझो सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अगर मैं लिखता हूँ रूट एट
प्लस आई रूट सेवन दिख रहा है यहाँ पर, और फिर से रूट एट माइनस आई रूट सेवन ऐसा दिया, और बीच में क्या दिया प्लस, ये ऐसे स्टैंडर्ड सम है। तो यहाँ पर रूट एट माइनस आई रूट सेवन, यहाँ पर रूट एट प्लस आई रूट सेवन। गाइज ये सम तुम लोग दो मिनट में ट्राई करना शॉर्टकट फॉर्मूले से, ट्राई करना शॉर्टकट फॉर्मूले से, ठीक है। ये तो हो गया, अब मैं जो बात बोलने वाला ध्यान से समझना, मैंने इसके बाद का सब कुछ तुम लोग को ये देखो छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझे। मैंने ये तुम लोग का होमवर्क है, मतलब एक्स्ट्रा सम दिया हूँ मैंने, शॉर्टकट से भी करो और लॉन्ग कट से भी करो ताकि तुम लोग का हाथ बैठ सके, ठीक है। 23 का जब मैंने ये सॉल्व करा रहा था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 जब सॉल्व करा था तभी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया था। और ना इतने सारे एक्सपीरियंस होने के बाद, इतने सारे एक्सपीरियंस होने के बाद तो मैं तुम लोग को जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 करा चुका हूँ तो मेरा ये होप है कि तुम लोग 24 खुद से करोगे। अरे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, आपने डिस्क्रिप्शन थंबनेल में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर वो जहाँ से चालू किया 24, नहीं बच्चा वो चीज़ सोच फिर मतलब ही नहीं रहेगा। अगर तुम लोग ने इतना वीडियो देख चुका है मेरा, 10 लेक्चर देख चुका है, 10 लेक्चर मतलब ऑलमोस्ट तुम लोग ने 8 से 10 घंटे मेरे साथ बिता चुके हैं इस वीडियो के थ्रू, तो इसका मतलब तुम लोग को मालूम होगा कि तुम्हारा हाथ बैठ चुका है 24 में है क्या। वो LHS को सॉल्व कर, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी वाला, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी समझ गया क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में वही किया, क्वेश्चन नंबर 4 में ये किया, यहाँ पर भी वही किया, इसके पहले वाले सब में भी वही किए, तो इतना एक्सपीरियंस बनता है अपना। और वहाँ पर क्या होगा, साइमल्टेनियसली इक्वेशन यूज होगा। तो अगर नहीं आया तो तुम लोग मुझे एक बार कम मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हो मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर मुझे ये सब में डाउट है प्लीज़ मुझे बता दो, ठीक है। मेरा इंस्टा आईडी भी दे चुका हूँ मैंने डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लो सर मुझे इसमें डाउट है। और वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो कमेंट में बता देना यार कितना अच्छा लगा या नहीं। ये पहले एक्सरसाइज से तुम लोगों को कितना फील आया, कॉम्प्लेक्स नंबर से कितना फील आ चुका है पहले एक्सरसाइज से, वो भी बता देना, थोड़ा डिस्क्राइब कर देना तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार अच्छा मेरी मेहनत और तुम्हारी हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी जम रही है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।